हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज हम बनाएंगे वेज मेयो ग्रिल सैंडविच। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले या इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फिलिंग तैयार करना है। वेज मेयो ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बारीक कटा हुआ अनियन। इसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, एकदम फाइनली कट करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कैप्सिकम, इसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप बारीक कटा हुआ कैबेज, इसे भी एकदम छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसी के साथ जाएगा गाजर, गाजर यहाँ पे मैंने आधा लिया है और इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून, मेयोनीज यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ। इसी के साथ इसमें जाएगा नमक, स्वाद अनुसार नमक जाएगा। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें बॉईल किया हुआ कॉर्न डाल सकते हैं, आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हैं, लाल पीला कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो सैंडविच है बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके पास लेट्यूस है तो इसे भी बारीक टुकड़ों में कट करके ले सकते हैं, बॉयल कॉर्न ले सकते हैं। अभी मैंने इसमें अनियन यूज़ किया है, अगर वो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मिक्सर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रेडी हुआ है, एकदम कलरफुल और दिखने में भी अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये फिलिंग है हमारा रेडी है, इसे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। थोड़ा सा ही बटर लगाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हमारा जो फिलिंग है वो हम रख देंगे ब्रेड की स्लाइस के ऊपर। इंस्टेंट बन जाती है, हेल्दी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, इवन आप इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व कर सकते हैं। शाम को कुछ समझ में नहीं आए कि क्या खाना बनाए तब भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा ब्रेड का स्लाइस ले रही हूँ और इसके ऊपर बटर लगा देती हूँ। यहाँ पे बटर नहीं लगाएंगे तो भी ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके ऊपर हल्की सी ग्रीन चटनी लगा देते हैं, इवन आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो भी टेस्टी बनेगी ये सैंडविच। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देते हैं, थोड़ा सा इसे प्रेस कर देते हैं। सैंडविच हमारी रेडी है। अब इसे ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं ताकि सैंडविच हमारी अच्छे से ग्रिल हो। अब इसे मैं रख देती हूँ, जो बटर लगाया वो नीचे की साइड जाएगा, ऊपर की साइड भी बटर लगा लेती हूँ। दूसरे स्लाइस के ऊपर भी बटर लगा लेते हैं, इसे मैं रख देती हूँ नीचे की साइड, ऊपर की साइड भी बटर लगा लेती हूँ। अब इसे मैं बंद कर देती हूँ। आप ध्यान रखें, ये जो ग्रिल मशीन रहता है इसमें एक लॉक आता है, तो आपको लॉक नहीं लगाना है। अगर लॉक लगाएंगे तो क्या होगा, अंदर जो सैंडविच के अंदर हमने जो स्टफिंग भरा है वो बाहर निकल जाएगा और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आपको कभी भी इसे लॉक नहीं करना है, बस ऐसे ही रख देना है। चेक कर लेते हैं सैंडविच ग्रिल हुई है कि नहीं। ओ वाओ, बहुत ही बढ़िया ग्रिल हो चुकी है। अब इसे मैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख देती हूँ।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सैंडविच हमारी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी सैंडविच तैयार हुई है। आप ये सैंडविच जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।